हेलो, मैं हूं करण बजाज। क्या आपके पास एक आइडिया है जो आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है, पर आप हिचक रहे हैं स्टार्ट करने के लिए क्योंकि आपके पास कोई को-फाउंडर नहीं है, चाहे वो टेक में हो या बिजनेस में हो, जो भी आपका वीक एरिया है। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी को-फाउंडर के, क्योंकि एग्जैक्टली 3 साल पहले मैं सेम सिचुएशन में था जब मैं वाइट हैट जूनियर स्टार्ट कर रहा था। मेरे पास आइडिया था पर कोई टेक को-फाउंडर नहीं था, फिर भी मैंने कंपनी स्टार्ट करी और आप भी ये कर सकते हैं। तो पहले क्यों इंसिस्ट करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट कि आपके साथ एक को-फाउंडर होना चाहिए? ये इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टअप्स बहुत हार्ड हैं और को-फाउंडर से मोटिवेशन बना रहता है एक बहुत हार्ड जर्नी में। पर मोर इम्पॉर्टेंटली, किसी भी स्टार्टअप के सक्सेस के लिए 3 रोल बिगिनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक हैकर, एक डिज़ाइनर, एक मार्केटर। एक डिज़ाइनर जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट का विजन अपने पास रखता है, एक हैकर जो उस विजन को जल्दी से कोड करके मार्केट में लाता है, और एक मार्केटर, एक बिजनेस पर्सन जो मैसेजिंग को स्ट्रॉन्ग करता है कंज्यूमर्स के साथ पहुंचाने के लिए अपने प्रोडक्ट को। ये 3 रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हैकर, डिज़ाइनर, मार्केटर। एंड जनरली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एक पर्सन में ये तीनों क्वालिटीज़ का होना, क्योंकि या तो आप टेक में अच्छे हैं तो आप डिज़ाइनर और हैकर का रोल कर सकते हैं, पर बिजनेस शायद आपको उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर आप बिजनेस में स्ट्रॉन्ग हैं और डिज़ाइनर और बिजनेस का रोल कर सकते हैं पर हैकर का रोल नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए एक्चुअल कोडिंग एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक पर्सन के अंदर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स, हैकर, डिजाइनर, मार्केटर, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वेंचर कैपिटलिस्ट इंसिस्ट करते हैं कि कम से कम 2 लोग की फाउंडिंग टीम होनी चाहिए, क्योंकि टिपिकली डिजाइनर फाउंडर होता है एंड या तो उसका हैकिंग स्किल सेट होता है इसलिए उसको एक बिजनेस का पार्टनर चाहिए, या बिजनेस स्किल सेट होता है और उसको हैकिंग या टेक का पार्टनर चाहिए। तो आइडियल केस में को-फाउंडर होना चाहिए। एंड मैंने भी जब वाइट हैट जूनियर स्टार्ट करा, सबसे पहले मैंने को-फाउंडर ढूंढने की कोशिश करी अपने नेटवर्क्स के थ्रू। खुद लिंक्डइन में मैंने अपने नेटवर्क्स में देखा कि कौन है जो किसी टेक कंपनी, एक अमेज़न या फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हैं, उनको पर्सनली कॉन्टैक्ट करा, उनसे बात करी कि क्या वो मुझे ज्वाइन करेंगे एज अ को-फाउंडर। पर यह बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि लास्ट मिनट पर अगर आप एकदम कोल्ड आउटरीच कर रहे हैं लोगों को को-फाउंडर बनने के लिए, तो उनका भी सेम रिस्क एपेटाइट होना चाहिए, उनका भी सेम पैशन होना चाहिए आइडिया के बारे में, उनकी भी सेम लाइफ स्टेज होनी चाहिए कि वो छोड़ सके अपना जॉब आपको को-फाउंडर की तरह ज्वाइन करने में। तो या तो आप लोग को पहले से जानते हैं, पर अगर आप पहले से नहीं जानते तो लास्ट मिनट पे को-फाउंडर ढूंढना कोल्ड काफ़ी मुश्किल काम है। और ये स्पेशली डिफ़िकल्ट है क्योंकि अगर आप मिड करियर में हैं और आपने वर्टिकलाइज कर लिया है, जैसे कि मतलब आपने MBA करा है और आप बिजनेस करियर में हैं, तो आपका ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा टेक वर्ल्ड से, तो एक टेक को-फाउंडर मिलना एज अ बिजनेस पर्सन बहुत मुश्किल है, एंड वाइसी वर्सा। इस केस के अंदर मेरा रिकमेंडेशन है कि को-फाउंडर के पीछे मत जाइए, आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक्शन में बहुत ज़्यादा पार है। ये इसलिए क्योंकि स्टार्टअप हायरिंग एक पार लॉ को फॉलो करता है। पार लॉ का मतलब ये कि 20% परफॉर्मर्स 80% और आउटपुट डिलीवर करते हैं, या फिर इवन मोर सो 1% ऑफ परफॉर्मर्स 99% ऑफ आउटपुट डिलीवर करते हैं, रादर देन एक नॉर्मल कर्व जो आप एक कंपनी में देखेंगे जहां पर मोस्ट लोग मीन के अराउंड कॉन्सेंट्रेट करते हैं। स्टार्टअप्स एक्चुअली हाइपर परफॉर्मेंस से ड्रिवन होता है, कुछ लोग सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं, यही लोग आपके को-फाउंडर होने चाहिए। और ये लास्ट मोमेंट पे अगर आप अपने नेटवर्क के बाहर ढूंढने जाएंगे तो ये मिलना एक्चुअली काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके नेटवर्क्स में को-फाउंडर नहीं मिलता है आपको, तो को-फाउंडर का सर्च छोड़कर अपनी कंपनी को स्टार्ट करें, एंड पार लॉ के हिसाब से ऐसे टॉप हायर्स को खुद रिक्रूट करने की कोशिश करें, नॉट एज को-फाउंडर्स बट एज मिड लेवल मैनेजमेंट हायर्स। मिड लेवल मैनेजमेंट हायरिंग कैसे करें? मेरे पहले 20 हायर्स सबके सब लिंक्डइन जॉब्स के थ्रू आए, एंड वो इतने स्ट्रांग थे कि पूरा का पूरा कंपनी का 0 to 1 फेज उन्होंने ही लीड करा। नॉर्मल जॉब पोस्टिंग से टॉप टैलेंट को कैसे लाएं? मेरे ये 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला ये कि आपका जो जॉब पोस्टिंग होना चाहिए वो बहुत बिग एंड ऑब्वियस होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसको देख के लगना चाहिए कि इस कंपनी में मुझे काम करना है। तो ये वाइट हैट जूनियर का पहला जॉब पोस्टिंग था। कंपनी एक छोटे से रूम में थी जिसके अंदर मैं अकेला था, पर उस टाइम पर भी मेरा बहुत बड़ा विजन था कि ये कंपनी एक दिन बहुत सक्सेसफुल होगी, और उसी हिसाब से मैंने जॉब पोस्टिंग बनाई और टॉप लोगों ने अप्लाई करा मेरे जॉब पर। दूसरा ये कि उस टाइम पे बहुत टेम्पटेशन होगा कि सबको सी लेवल रोल दो, क्योंकि लोग भी मांगेंगे कि मुझे CTO बनना है, मुझे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनना है, बट वो टेम्पटेशन को हट के आपको डायरेक्टर या VP रोल्स देने चाहिए ताकि बाद में आप सी लेवल रोल्स रख सकें। एंड तीसरा, आप जिस भी फंक्शन में वीक हैं उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से अप्रोच करें। ये मत सोचो कि वो फंक्शन वीक होगा क्योंकि आपके पास वो को-फाउंडर नहीं है। आप अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से कोई भी प्रॉब्लम अप्रोच करेंगे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे।
तो फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए सबसे ज़्यादा माइंड ओपनिंग ये था, क्योंकि इनिशियली मुझे लग रहा था कि मैं टेक में बहुत वीक हूँ, मैंने कभी टेक पहले बनाया नहीं था, तो मुझे लग रहा था कि वो कंपनी के लिए हमारा वो फंक्शन वीक रहेगा। पर एक्चुअली मैंने देखा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से जब मैंने अप्रोच करा तो कुछ भी ऐसा नहीं था जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पा रहा था मैं। एंड एक मेरे लिए सबसे ज़्यादा माइंड ओपनिंग इंसिडेंट ये था कि मैं एक बैकएंड डेवलपर के साथ बैठा था, एंड उस टाइम तक मैंने डेलीगेट करा हुआ था ये फंक्शन टेक का अपने वीपी ऑफ इंजीनियरिंग को। पर जब उनके साथ बैठा था मैं डेवलपर के साथ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि पूरा का पूरा जो डेटाबेस आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चर है, वो एग्जैक्टली बिजनेस स्ट्रैटेजी से मैप होता है। तो अगर बिजनेस स्ट्रैटेजी क्लियर है तो डेटाबेस आर्किटेक्चर का सबसे ज़्यादा नॉलेज इन सम वेज मेरे पास होना चाहिए। तो इस नॉलेज से मैंने सारा का सारा टेक फर्स्ट प्रिंसिपल से अप्रोच करा जब तक कि मेरा एक सी लेवल CTO नहीं आए। तो अब ये मिड लेवल मैनेजमेंट हायर से अपने कंपनी का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया। एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा पार है, क्योंकि एक बार आपने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया और आपके रिजल्ट्स आने लगे तो आप एक्चुअली काफ़ी इजी पाएंगे सी लेवल्स हायर को अट्रैक्ट करना, या फिर इवन को-फाउंडर को अट्रैक्ट करना लेटर स्टेज पर, अगर आपका फिर भी इंटेंशन है कि एक को-फाउंडर चाहिए, या फिर आपके वेंचर कैपिटलिस्ट आपको पुश कर रहे हैं कि एक को-फाउंडर चाहिए। क्यों पार है एग्जीक्यूशन में? सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं और आप एक टेक का को-फाउंडर ढूंढ रहे हैं तो उनको कैसे अट्रैक्ट करते हैं। टेक के जो टॉप लोग हैं, मैंने देखा है कि वो ये हैकर्स एंड पेंटर्स का रूल फॉलो करते हैं। हैकर्स एंड पेंटर्स मतलब एक तरीके से आप टेक के टॉप लोगों को एक आर्टिस्ट की तरह सोच सकते हैं। एंड आर्टिस्ट दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। फर्स्ट, स्केल, कि उनका जो क्रिएशन है, उनका जो आर्ट है, वो मिलियंस ऑफ लोग यूज़ करें। एंड सेकेंड, आर्टिस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी, और इस केस में टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक टेक्निकल चैलेंज है जो काफ़ी हार्ड है सॉल्व करना, उससे भी जो टॉप आर्टिस्ट हैं, जो टॉप टेक्निकल लोग हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आपने ये हैकर्स एंड पेंटर्स का फिलॉसफी फॉलो करके टेक्निकल लोग को बताया कि आप कितना बड़ा स्केल अचीव कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ट्रैक्शन है, एंड क्या टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी आएगी उनको सॉल्व करने के लिए, तो आप बेस्ट टेक टैलेंट को हायर कर सकते हैं। एंड लिंक टू दिस एक्शन में पार है, अगर आप टेक के फाउंडर हैं और आप एक बिजनेस को फाउंडर ढूंढ रहे हैं, तो बिजनेस के लोग सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं अगर उनको बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो बिजनेस के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मैं ये 24 प्रिंसिपल यूज़ करता था कि हम लोग 20 साल की मेहनत 4 साल में कंप्रेस करेंगे और उस हिसाब से आपको पर्सनल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगा। एंड वो भी मैं उन्हें कन्विंस कर पाता था क्योंकि मैं उन्हें अर्ली रिजल्ट दिखाता था कि अर्ली रिजल्ट कितने स्ट्रॉन्ग हैं, एंड उससे उन्हें कन्विक्शन आता था कि हाँ, यहाँ पे मेरा 24 ग्रोथ कंप्रेस हो सकता है। तो एक्शन में बहुत ज़्यादा पार है, अगर आपने एक्शन लिया, अर्ली ट्रैक्शन लाए, तो आप टॉप टेक टैलेंट या टॉप बिजनेस टैलेंट को दिखा सकते हैं कि आपका क्या ट्रैक्शन है और उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी कंपनी में। और फाइनली, वेंचर कैपिटलिस्ट को कैसे कन्विंस करें अगर आप एक सिंगल फाउंडर कंपनी है? मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ था जब मैंने सबसे पहले वाइथा जूनियर का आइडिया पिच करा था, तो सबका पहला क्वेश्चन ये था कि आपके टेक को फाउंडर कौन है, जो उस टाइम पे मेरे पास नहीं थे। पर वेंचर कैपिटलिस्ट तीन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं। फर्स्ट, ऑब्वियसली आपका टीम, सेकेंड आपकी कंपनी का विजन, एंड थर्ड ट्रैक्शन। एंड बहुत मुश्किल है कि उनको ऐसी कंपनीज मिलती रहें जो तीनों के तीनों चीज़ों को पूरी तरह टिक मार्क करती है। तो मेरे केस के अंदर को फाउंडर नहीं थे, पर मेरा विजन बहुत स्ट्रांग था, एंड सेकेंड मैंने ट्रैक्शन दिखाया। तो अगर आपके पास को-फाउंडर नहीं है, बेस्ट चीज़ आप जो कर सकते हैं वो है ट्रैक्शन लाना, और ट्रैक्शन से आप को-फाउंडर्स को अट्रैक्ट करेंगे, ट्रैक्शन से आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे, ट्रैक्शन से आप सी लेवल हायर्स को अट्रैक्ट करेंगे। एंड ट्रैक्शन लाने के लिए को-फाउंडर नहीं चाहिए। अगर मैं वाइथा जूनियर का केस देखूँ तो मैंने जो फर्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट बनाया था वो एकदम जीरो कोड था, एंड उसके लिए एक्चुअली मैंने कोई भी हायर नहीं यूज़ करा था। मैंने अपवर्क पर एक बेसिक डिज़ाइन बनाया वेबसाइट का विद द विजन ऑफ द कंपनी। उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स को अपने पर्सनल फेसबुक पेज के थ्रू अट्रैक्ट करा, एंड टीचर्स को खुद अपने नेटवर्क्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करा। और पहला वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट जिसके अंदर हम लोग ने टीचर्स और स्टूडेंट्स को कनेक्ट करा और एक बेसिक कोडिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करा, वो बिना कोड के बना था। एंड उससे इतना ट्रैक्शन आया कि मैं वेंचर कैपिटल से फंडिंग रेस कर पाया, और उस फंडिंग रेस करने के बाद मैं अपने स्ट्रॉन्ग ए लेवल टीम बना पाया टेक में, बिजनेस के अंदर। And that's how you get started. क्या आपके लिए वीडियो यूजफुल था? मुझे कमेंट्स में और कोई भी क्वेश्चन है स्टार्टअप्स के बारे में वो बताइए, ताकि मैं अगले वीडियोस में पिकअप कर सकूं। और ये वीडियो ऑन हाउ टू ऑलवेज हायर द राइट टीम, ये भी आपके लिए वैल्यूबल रहेगा। मैं हूं करण, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।